करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक प्रमोशनल वीडियो में खालिस्तानी अलगाववादी जर्नैल सिंह भिंडरावाला की तस्वीर दिखने का भारत सरकार ने संज्ञान लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, भारत सरकार का मानना है कि पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के पीछे मकसद कुछ और ही है। पाकिस्तान इस बहाने खालिस्तान और अलगाववाद को हवा देना चाहता है। सरकार के सूत्रों ने बताया है, हमने भिंडरवाले का पोस्टर उपयोग करने के मामले को संज्ञान में लिया है। पाकिस्तान की सरकार जो कुछ भी कर रही है उसके पीछे पाक आर्मी है। सरकार का कहना है, सुरक्षा को लेकर हमारे पूरे इंतजाम है, जिससे कॉरिडोर के चलते कोई सुरक्षा पर आंच नहीं आएगी। हमने 550 लोगों की लिस्ट दी है पाकिस्तान को, जो 9 नवंबर को करतारपुर जाएंगे। इसमें मनमोहन सिंह, अमरिंदर सिंह, हरदीप पुरी, हरसिमरत कौर बादल, कई सांसद और वरिष्ठ लोग हैं। लेकिन करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के एक ट्वीट ने कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। भारत ने इसको लेकर भी अब पाकिस्तान को स्पष्ट करने को कहा है। दरअसल करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक श्रद्धालुओं के पास पासपोर्ट होना जरूरी है, लेकिन पाक पीएम इमरान खान ने पिछले दिनों ट्वीट किया है कि करतारपुर जाने वाले श्रद्धालुओं को पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके चलते बड़ी कन्फ्यूजन हो गयी है। इसके अलावा भारत के पास इस तरह की रिपोर्ट है कि पाक गुरुद्वारा में किस तरह से भारत विरोधी गतिविधि चल रही है। हमने पाकिस्तान के समक्ष ये मामला उठाया भी है। जो लोग कॉरिडोर के जरिए 9 तारीख को जा रहे हैं उनको पॉलिटिकल क्लियरेंस की जरूरत नहीं। 9 नवंबर को 575 मेंबर का जत्था जा रहा है कॉरिडोर के रास्ते, अगर सिद्धू उसमें जाते हैं तो उनको पॉलिटिकल क्लियरेंस की जरूरत नहीं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा कि मैं पहले दिन से ही आगाह कर रहा हूं कि इसके पीछे पाकिस्तान का एक छिपा हुआ एजेंडा है। दरअसल 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले पाकिस्तान की बड़ी साजिश उजागर हुई। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने करतारपुर साहिब से जुड़ा एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया। वीडियो में गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सिख श्रद्धालुओं के लिए स्वागत गीत है, लेकिन उसमें खालिस्तानी आतंकियों जनरल सिंह भिंडरावाले, शबेक सिंह और अमरीक सिंह के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारत की ओर से साफ कर दिया गया है कि सुरक्षा पर किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो पता नहीं क्या चाल चलने वाला है। अब ये तो 9 नवंबर को ही पता चलेगा कि पाकिस्तान का इसके पीछे क्या इरादा है। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।